ये समझ लीजिए कि कुमारी नाम से सांसद महोदया ने एक बहुत ही ज्वलंत समस्या आज प्रस्तुत की है जो उनके व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य से भी बियॉन्ड एक सामाजिक समस्या का रूप लेती जा रही है, जिसमें फेक फेसबुक आईडीज बना करके और दूसरे लोगों को परेशान करने कि कई समस्याएं इस तरह की पूर्व में भी परिलक्षित हुई है। उसी तरह की एक समस्या उन्होंने आज इंगित की है, जिस पे हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया। सर, पर्टिकुलर लेकर की समस्या है कि जनरल फेसबुक कंप्लेंट्स हैं इस टाइप? इसके पहले भी इस तरह की कई समस्याएं आ चुकी हैं। आज उन्होंने जो समस्या रखी है उसका भी आधार बाकी लोगों की समस्याओं से ही है। ये अलग बात है कि उसमें इस बार उन्होंने उसको एक पर्सनल एजेंडा बना करके सामने रखा। इस समय मिश्रिख की मौजूदा सांसद अंजू बालाजी के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कुछ अश्लील वीडियो के सामने आने की बात कही है, जिसको उनकी फेसबुक अकाउंट पर किसी ने शेयर किया है। जानते हैं उनसे क्या है पूरा मामला और किस वजह से वो आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आई हुई है, बताइए क्या पूरा मामला है? ये कुछ दिनों से जैसे मैं अपना फेसबुक खोलती हूँ, क्योंकि हम लोगों का दिन भर कार्यक्रम जो भी होता है हमें अपलोड करना होता है, और ये एक पारदर्शिता भी रहती है कि सबको पता भी चलना चाहिए आपका सांसद क्या कर रहा है। उसको जैसे ही मैं एक दो दिन हुआ ऐसा कि मैं लोड करने लगी और पूजा कुमारी लाइव ऐसा टेलीकास्ट, उसमें खुद ही वीडियो ओपन हो जाता है और इनवाइट पेज करके उस पर आता है। शेयर नहीं की किसी ने किया, वो इनवाइट पेज आता है जिसको 3-4 लोग लगातार शायद उसको शेयर करते हैं। बहुत सारे नाम भी है जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके आज मैंने कप्तान को भी दिया है। मैं इसीलिए आई थी कि आप जैसे अगर वो मेरे फेसबुक अकाउंट पर आ रहा है, मतलब एक सांसद को जानबूझ पे कि उस पर इनवाइट किया जा रहा है और इतनी अश्लील वीडियो है उसको नहीं देख सकते हैं कि मैं खुद अचंभित रह गई। जैसे उसको ओपन हो गया, खुद खुल गया और वो लाइव चल रहा है, उसमें लाइव कमेंट आ रहे हैं और वो फ़ोन नंबर मांग रहे हैं लड़के जो सामने, लड़की जो भी हरकत कर रही है, मतलब शर्मसार करने वाला है। इसीलिए मैं आई थी कप्तान के पास कि आप उस मेरे जो अकाउंट पे उसको देख के उस पर जाँच करिए किसने इनवाइट किया है, और ऐसे फर्जी फेक अकाउंट बनाने वालों को उसमें सजा दिलाइए। और मैं गृह मंत्रालय में भी इस लेटर को दे रही हूँ, क्योंकि मैं एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की भी मेंबर हूँ, महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, और उसमें भी मैंने ये चर्चा कल ही मेरी मीटिंग थी अपने चेयरपर्सन से भी मैंने की है, और उन्होंने भी कहा है कि हम इस पर बात को लेकर आगे जाएंगे और इस तरीके से जो भी सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड होते हैं उस पर कार्रवाई भी कराएंगे और हमें उसे बंद भी करना होगा, क्योंकि जो भी जनरेशन आने वाली है, लड़के हैं लड़कियाँ हैं, उनका ये प्रभाव अच्छा नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए भविष्य के लिए बात है, इसीलिए मैं आज इसी बात को लेके, किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा, नहीं आएंगे तो मुझे लगता है ये बढ़ावा मिलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं युवाओं से भी अपील करना चाहती हूँ कि अपने भाइयों से अपील करना चाहती हूँ कि ये हिंदुस्तान है, ये हमारा भारत देश है, यहाँ बेटियों की पूजा होती है। अगर इस तरीके का वीडियो अपलोड भी होता है, हो सकता है वो डर के मारे कर रही हो या क्या कारण से कर रही हो, आप उसको शेयर मत करिए, उसको वहीं ब्लॉक कर दीजिए, उसे ब्लॉक कर दीजिए और हमारी सहायता करिए ऐसी वीडियो को, ऐसे फेक आईडी को चलाने वाले को, ताकि हम उनको सजा दें। जैसा कि आपने जाना कि फेसबुक पे होने वाली अश्लीलता के खिलाफ आज मिश्र की सांसद अंजू बाला ने आवाज़ उठाई है, तो इसे ईटीवी के लिए आकाश शुक्ला।